So this is my dad's channel, and today is dad's and daughter's day out. So my dad is actually taking some stuff. He's over there, and then we're gonna eat some fries and have a good day. These are my two sisters who doesn't like to be on camera. So this is Myra and this is Dolly. And my dad's about to come, and then we're gonna have dad's and daughter's day out. So yeah, let's start. Assalamu alaikum. मैं हूँ राशिद इकराम YouTube चैनल पर ये दो ये तीनों मेरी बच्चियाँ हैं दो मेडिकल कॉलेज से लेके आ रहा था इनको एक आगे वाली बच्ची है ये सबसे तेज है सलाम करो सलाम ये तो पेंटिंग करती है बहुत अच्छी आज आजकल में इसकी पेंटिंग की नुमाइश होने वाली है ये छोटी बच्ची की छोटी सबसे छोटी वाली अभी मैं खट्टा मार्केट से जा रहा हूँ घर की तरफ ये Our fries are here. Let's eat them. दिप, दिप. दिप. अब पीछे वाले गाड़ी जो है पीछे लगा के चला गया वो भाई साहब चले अब ये उन्होंने फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं ये लोग घर की तरफ चल दिए बस एक दे देना मुझे नहीं आपका हाँ रख दे एक दे दे बस कराची में तो आजकल ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है एक बस नजर नहीं आती क्योंकि जो रिक्शा है उसमें आठ आठ दस दस लोग बेचारे बैठ के जा रहे हैं बहुत बुरी हालत है आवाम की 3.5 करोड़ की आबादी है सिंध गवर्नमेंट 10 दफ़ा ऐलान कर चुकी है कि अभी बस आ रही है अभी बसें आ रही हैं अभी बसें आ रही हैं अभी बिलावल साहब ने ऐलान किया था 13 दिसंबर को 250 बसें आएंगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई इतना ज़्यादती है जुल्म है कराची का आवाम अब इस बेचारे किस तरह सफ़र कर रहे हैं स्कूटर ले रहे हैं दबा दब किस्तों पे ले रहे हैं महंगाई अलग है इधर अब आगे एक से एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है इंक्रोचमेंट इतनी आम है दूसरी सफाई की यहाँ हो नहीं रही गड्ढे वड्ढे रोडों पे हैं वो भाई ये है कि अब कराची कितना टैक्स देता है 60% खर्च क्या होता है कुछ भी नहीं यहाँ की लोकल जमातें एहतजाज कर करके बेचारे थक गई एमक्यूएम पाकिस्तान दूसरी और जमातें हैं ये है ऊपर रह रहे हैं हम लोग क्या करें पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा अभी बच्चियाँ पूछती क्या हाल है मैंने कहा कि हमारे बचपन में हमारे दौर में तो बसें बहुत अच्छी होती थी हम लोग ही बसों में जाते थे आते थे अब तो बसें नज़र नहीं आती रिक्शाएँ देखें चीची रिक्शा में 6-6 लोग बैठ के जा रहे हैं स्कूटर है ये है आज फिर कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ जाएगा तो महंगाई इतनी है बेरोजगारी है अब एजुकेशन भी इतनी महंगी हो गई है टैक्सेस बढ़ गए हैं तो ये है अभी आ रही है बेचारी पढ़ के तो देखिए बाकी क्या होता है हाँ भी खाली है क्या बोलो बोलो हमेशा बोले सामान कौन सा सामान बेटा अब बोल ले लेंगे अभी ले लेंगे
इसको शॉपिंग का बड़ा शौक है जी, इसको छोटी वाली हर बार चाहती है सामान डिपार्टमेंट स्टोर चलो सामान ले लो सामान ले लो। तो वैसे सिंधी अच्छी बनाती है तस्वीरें वगैरह। अब इसकी कार वो जो नुमाइश होने वाली है इसकी, ये छोटी सी है 11 साल की माशाल्लाह से। यह है सिलसिला भाई, हमने कहा चले आपसे सलाम दुआ रखें बातचीत करें। चल जी लेना सामान। हाँ आप ही लेंगे इंशाल्लाह, आप ही लेंगे अभी वरना आप ही लेंगे। बहुत जल्दी खाना फिनिश कर लेना। अभी ये जो आजकल सियासी पंजाब खास तौर पर सियासी गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर एक मुलाकातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ मिल रहा है चौधरी बरादरन से, मौलाना फजल रहमान साहब मिल रहे हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तहरीक अदम अतमाद लाने के चक्कर में है, आया कामयाब होते हैं नहीं होते है। मुझे तो लग रहा है मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, कोई मजाक नहीं होता। अगर ऐसे ही होते तो 3.5 साल गुजार नहीं लेती हूँ। तो ये है कि बड़ी आजकल गर्मा गर्मी चल रही है, एकदम तो आ गई है तेज़ी अपोजिशन में, वो आगे तेज़ी ये पता नहीं चल पा रहा। चले तहरीक अदम एतमाद हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? वो झगड़ा होगा शुरू, वो कह पीएस पार्टी वाले कहेंगे हम हमारा होगा, नवाज लीग वाले कहेंगे हमारा होगा। तो इससे बेहतर होगा कि इलेक्शन करा दिया जाए नए फ्रेश, जो जीता हुआ हुकूमत पर है, खत्म हो गई बात। तो ये है सिलसिला। हाँ लेना घर की तरफ जा रहे बेटा, सामान लेना था भी लेंगे इंशाल्लाह शाम को लेते हैं। मुझे पता आप क्या करने की कोशिश कर शाम को, ठीक है? मैंने कहा चले जब सब हो जाए थोड़ा डैडी इज डॉटर सी गोइंग होम डूइंग नथिंग। आजकल को जिसको तनख्वाह मिल रही ना 1,00,000 रुपए, समझ लो उसको 50,000 मिलती है, वो लाख नहीं होती 50,000 होती। अब आपको 50,000 पे गुजारा करना है, तो बस जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए बल जाती कराची में, ताकि छोटे मोटे जो काम होते हैं ये तो वही कराते हैं ना काउंसिलर, हर आदमी चले आते हैं उसके लिए दरवाज़ा खड़खड़ा देता है उसका, सीवरेज का मसला होता है, कभी पानी का मसला होता है, कभी कोई अटैच कराना पड़ता है कोई, ये तो ये निचली सतह पे होते हैं ये काम। MNMK तो नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ कानून साजी करते हैं। अब कानून साजी भी कैसे हो रही है वो आपको सब पता है। बस चल रहा है अल्लाह वेली, अल्लाह चला रहा है, साथ चल रहा है, देखिए क्या होता है। हर आदमी परेशान है कि होगा क्या। तो ये है सिलसिला, बस ये आपसे अर्ज करना, घर आ गया करीब, तो अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, कि खुदा हाफिज सलाम करो तब बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी सलाम करो, अपना ख्याल रखिएगा, अपने खानदान का ख्याल रखिएगा, आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।